अररिया के फॉरविसगंज में होली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। इलाके में हादसे पर हादसा होने से मातम पसरा है। यहां के बगीचा चौक पर किराए के मकान में रह रहे छात्र की संदिग्ध मौत ने सबको परेशान कर दिया है। हरिपुर के रहने वाले छात्र दुकान में काम कर पढ़ाई करता था, जो घर का इकलौता था। इस घटना से परिवार में मातम पसरा है। युवक के पिता उसकी पढ़ाई के लिए प्रदेश में काम करते थे। कल शाम में आ रहा हां कल घूरे घूरे ले होली के लगे के रंगे नहीं नेपाल से घूर दिया रहा कल नेपाल गेल रहा हां ए मामी और उसे साथ में उसे घूरल फिर मिठाई वाला देला बातचीत कर ले करा से ये रोशनी नाम की हां वही आई कि अभी तक ऑफिस का ही नहीं गया तो वही दरवाजा ठकठकाई ना तो बोली कि छिटकली गिरा तो हम देखे तो दौड़ के भागी नीचे तब हम लोग को बोली तब हम लोग आए हम लोग तो छुए नहीं तो इसका गार्जियन को तुरंत थाना फोन की इसके गार्जियन ये अभी बाबूजी और कोई लड़का अभी आया तो यही लोग अभी हम लोग मना भी किए प्रभात चालक भी थे मना किए लेकिन अच्छा ये जो लड़की साल लगभग दो साल हो गया है दो साल का भाड़ा में क्या करता था लड़का पढ़ाई भी करता था पहले तो न्यू मॉडर्न में पढ़ता था अभी उसकी बहन उसी में पढ़ती है अभी बोला कि काम करेंगे हमको थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है आर्थिक तभी बालाजी में इसको काम हमें बोले तो पूछे कोई खाली है बोला हाँ काम कर सकता है तो वहाँ कर रहा है ओ बालाजी में कितने दिन से काम करता था कितना दिन होगा ज़्यादा नहीं हुआ तीन महीना लगभग दो तीन महीने क्या नाम अकेले रहता था नहीं दोनों भाई बहन रहता था इसकी बहन कहाँ है नीचे है स्कूल गई थी अभी उसको भी बुलवाया है नीचे बहन स्कूल गई थी उसके बाद ही किया है हाँ ये घटना कई बजे होनी चाहिए अभी तो हम लोग को तो कितना मोटा मोटी आधा घंटा हुआ है तो ये पंखा से लटका हुआ था हाँ पंखा से रस्सी लगा कर नहीं नहीं गमछा से वहीं फॉरविसगंज में होली की खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गईं जब कोठीहाट नहर में दोस्तों के साथ स्नान करने पहुंचा राजगुप्ता लापता हो गया। इस खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और तीन सुल्तान पोखर के मनोज गुप्ता के परिवार में सन्नाटा पसर गया। घंटों तक युवक को पानी में तलाश किया गया लेकिन काफी मशक्कत के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। वहीं मनोज गुप्ता भी करीबन दो वर्षों से लापता हैं। इस तरह से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया है। घटनास्थल पर आए तो पता चला कि एगो लड़का निकल गया है तो एगो लड़का डूबा हुआ यही हम लोग को सूचना मिला तो फिर ये लोग बोल रहे हैं कि SDO मैम या कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं अब SDO साहब नहीं उठा रहे तो अब वो तो बड़े पदाधिकारी हैं हम लोग सर सूचना मिला हम लोग तुरंत पहुँच गए आप लोगों ने ऊपर सूचना दे दिया होगा बराबर कब सूचना दे दिए सर वो छानबीन में हम लोग लगे हुए हैं अभी तक ले तो मिला नहीं गुप्ता जी का लड़का था राजा गुप्ता उसका नाम है फुलवरिया के आपस में रेडीमेड की होलसेल की दुकान है जी जी वही नहर में स्नान करने आया था और डूब गया तो पता नहीं चल पा रहा क्या नहीं अभी तक तो नहीं पता लगा है तो अधिकारी लोग को फोन नहीं किया प्रशासन अधिकारी से बात हुई है वो बोले कि NDRF की टीम को खबर की गई है पूर्णिया से वो आने वाला है उसे कितना उम्र का लड़का है लड़की है लड़का है लगभग 25-26 वर्ष का लड़का है नहर में स्नान करने के लिए आए थे जिसमें दो लोग डूबे थे एक निकल गए और एक अभी तक नहीं निकल पाया पानी से जबकि मेरे द्वारा SDO मैम को CO मैम को सबको फ़ोन किया गया अभी तक उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ है अब बताया जाए कि इस स्थिति में लोग जाए तो जाए कहाँ पर बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब लोग मातम में है दुख में है प्रशासनिक अधिकारी को याद कर रहे हैं तो वो फ़ोन तक रिसीव करना मुनासिब नहीं समझ रही है